चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 0.4 एंड 0.8 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:1 विल बी. यानी आपसे पूछ रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का एब्सिसा, एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू, जो कि विच डिवाइड, जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग पॉइंट, जो कि लाइन सेगमेंट यहां पर देखिए मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पॉइंट बी को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी. ये ए है तो ये बी है, ठीक है. इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:1 विल बी, आपको क्या करता है वो जो लाइन सेगमेंट ए बी आएगी उसको इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है कितने रेशियो में, 3:1 में. डायग्राम बना के बताते हैं तो समझ में आएगा. से मान लीजिए पॉइंट ए पॉइंट बी है तो हमने ये ले लिया, ठीक, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसको हम ले ले रहे पॉइंट ए, इस वाले को ले ले रहे पॉइंट बी, ठीक. अब यहां पॉइंट ए देखिए, पॉइंट ए पॉइंट बी को ज्वाइन किया गया तो ये भी एक लाइन सेगमेंट आ गई ना. पॉइंट ए इसका आपको दिया गया पॉइंट, पॉइंट ए जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया गया, पॉइंट बी इसका कोऑर्डिनेट दिया गया. ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 0.4 और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 0.8, ये दिया गया, ठीक. अब वही आपसे पूछ रहा है कि उस कोऑर्डिनेट की एक्सिसा बताइए जो कि इस ए बी, जो कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली, यानी इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है, इंटरनली क्या करता है इसको डिवाइड करता है, उस कोऑर्डिनेट को देखिए, उस कोऑर्डिनेट को बताना है. कहने का मतलब है जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया, अब इस पॉइंट को हमें निकालना है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है 3:1 के रेशियो में, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है. अब उस कोऑर्डिनेट में आपको एक्सिसा बताना है, एक्सिसा यानी एक्स की वैल्यू. कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो हमेशा एक्स फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा वाई होता है ना, कोई भी पॉइंट दिया होगा तो एक्स कॉमा वाई, तो यहां पे आप कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, उस कोऑर्डिनेट को निकाल दीजिए जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है. तो जब वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आ जाएगा तो आपसे पूछ रहा है एक्सिसा, तो एक्स की वैल्यू बता दीजिए, एक्सिसा हो गया, है ना. चलिए तो यहां पर देखिए हम ले ले रहे हैं, मान लिया पॉइंट पी जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया एक्स कॉमा वाई और आपको रेशियो भी दिया गया है, यानी एम वन एम टू, जो रेशियो एम वन एम टू का कितना दिया गया, एम वन एम टू देखिए 3:1, तो ये हो जाएगा एम वन, ये 3:1, एम टू कितना 1, एम वन कितना 3, एम वन कितना है 3 और एम टू कितना है 1, 3:1 है, पहला एम वन दूसरा एम टू, ठीक. यहां पर हम सपोज कर ले रहे, देखिए लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है, तो हम वही पॉइंट हम निकाल लेंगे, यानी इस कोऑर्डिनेट को, पी के कोऑर्डिनेट को हम निकाल लेंगे. उसके बाद एक्सिसा की वैल्यू पूछ रहा, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही एक्सिसा की वैल्यू हो जाएगी, है ना, एक्स की वैल्यू यानी एक्सिसा की वैल्यू. चलिए अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, किसका, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इंटरनल डिविजन के लिए. यहां लिख देंगे बाई यूजिंग, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या है, पी एक्स कॉमा वाई रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट. तो सेक्शन फॉर्मूला से आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, है ना, ये एक्सिसा वाला हो गया. उसके बाद ऑर्डिनेट वाला क्या होता है, वाई की वैल्यू वाला, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये ब्रैकेट क्लोज, है ना, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है. एक्स के लिए ये है और वाई के लिए ये है, ठीक है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो जो हमारे पास है. एम वन की वैल्यू कितनी है, एम वन की वैल्यू आप साफ साफ देख सकते हैं कितनी, थ्री है, तो थ्री इंटू एक्स टू, एक्स टू कितना है, एक्स टू आपने किया नहीं, आप कर लीजिए, ये क्या है एक्स वन, देखिए लिख दे रहे, ये एक्स वन और ये वाई वन, एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू और ये वाई टू, ठीक है. चलिए तो यहां पर रखते हैं थ्री इंटू एक्स टू कितना, एक्स वन वाई वन, एक्स टू ये है जीरो,
थ्री इंटू जीरो प्लस एम टू कितना, एम टू है वन, वन इंटू एक्स वन कितना, देखिए एक्स वन है कितना जीरो, एक्स वन है जीरो अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू यानी कि थ्री प्लस वन, इसमें आते हैं एम वन वाई टू, एम वन की वैल्यू कितनी है थ्री है, थ्री इंटू वाई टू कितना एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू है एट, प्लस उसके बाद एम टू कितना है वन, वन इंटू वाई वन, वाई वन कितना है, वाई वन है फोर अपॉन हो गया ये कितना एम वन प्लस एम टू यानी थ्री प्लस वन, ठीक है एम वन प्लस एम टू यानी थ्री प्लस वन। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा जीरो प्लस जीरो अपॉन फोर, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा एट थ्री था ट्वेंटी फोर प्लस फोर अपॉन फोर, ये आ गया। और आगे सॉल्व करेंगे यहाँ तो आ जाएगा जीरो अपॉन फोर, है ना, और यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी एट अपॉन फोर। अब इसको हम अगर सॉल्व कर लें आगे तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका जीरो कॉमा सेवन, जीरो कॉमा सेवन आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा फोर सेवन ट्वेंटी एट आएगा ना, तो जीरो कॉमा सेवन आ गया, तो आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या आ गया यानी पी की वैल्यू आ गई एक्स कॉमा वाई कितना है जीरो कॉमा सेवन। अब जीरो कॉमा सेवन में एफसीसा कौन सा है, एफसीसा कौन सा है जीरो और ऑर्डिनेट कौन सा है सेवन, एफसीसा यानी एक्स की वैल्यू ऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू, तो एफसीसा खाली आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है एफसीसा, तो एफसीसा देख लीजिए क्या है जीरो, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यही, इसके बाद आप लिख लीजिएगा यहाँ हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, यह पॉइंट लिख लीजिए हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया आपका पी एक्स कॉमा वाई यानी जीरो कॉमा सेवन। अब आपसे एब्सिसा पूछ रहा था एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, तो लिख दीजिए सो एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट, एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज कितना जीरो, एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू सेवन, तो यह आ जाएगा जीरो, ये हो गया आंसर, यही पूछ रहा था, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको बताइए इंटरनल डिवीजन के लिए है ये, कर लीजिए।